फॉर मी डैट वॉज द मोस्ट इंचांटिंग लाइन इन द प्ले मेरे लिए वह वह पंक्ति अत्यधिक मोहक थी इस नाटक में इंचांटिंग मीन्स मोहक फैसिनेटिंग द मैंस कंप्लेंट मनुष्य की शिकायत वो सो ग्लोरियसली रिलीवेंट था शानदार ढंग से असंगत ग्लोरियसली शानदार ढंग से रिलीवेंट असंगत या बेमेल टू हिज ऑन सिचुएशन उसकी अपनी स्थिति से पूरी तरह से या शानदार ढंग से बेमेल था एंड बीसाइड बीइंग कॉमिक ये कॉमिक होते हुए भी इट स्ट्रक में इसने मुझे चोट किया एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द वे एक ठीक पूरी तरह से ठीक परफेक्ट पूरी तरह से सही इलिस्ट्रेशन मीन्स उदाहरण इस तरह के उदाहरण की तरफ द आयरिश गेट आयरिश जो लोग हैं पाते हैं एट सटल ट्रूथ एक सूक्ष्म सच्चाई सटल मीन सूक्ष्म ट्रूथ मीन्स सच्चाई बाई द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज किस तरह से अत्यधिक असामान्य रास्ते से या पहुंच से या तरीके से ये एक कॉमिक था और कॉमिक होते हुए भी इसमें एक ऐसा उदाहरण आयरिश के द्वारा पेश किया गया है जो बिल्कुल सच है और वो सच्चाई क्या है वो त्रुट क्या है कि एरोप्लेन जो है डैट इज टू फास्ट यानी यहाँ पे एरोप्लेन से स्पीड को बताया गया है और उस नाटक में और भी वैसे सीन हो सकते हैं जो स्पीड को बताता है तो स्पीड यहाँ जो है वो सूक्ष्म सच्चाई को इस नाटक में कॉमिक होते हुए भी ये नाटक कॉमिक था कॉमिक होते हुए भी उस सच्चाई को बताया गया है एक असमान तरीके से जिस तरीके से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं यू सो आप देखते हैं वॉट द ओल्ड फुल मीन उस बूढ़े बेवकूफ या मस्खरा का क्या मतलब था नॉट डैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ नोट डैट आई हैव एनी डिसलाइक मुझे किसी तरह भी डिसलाइक नहीं है तेज रफ्तार से रैपिड मूवमेंट रैपिड मीन्स तेज मूवमेंट मीन्स रफ्तार एंड माई सेल्फ मीन्स स्वयं आई इन्जॉय गोइंग इन अ कार एट नाइन्टी माइल्स एन आवर एक घंटे में मैं इंजॉय करता हूँ किसी भी कार से जाने में नब्बे मील प्रति घंटे के सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग जब तक मैं कार चला रहा हूँ एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार और जब तक कि वह कार मेरा नहीं हो आई एडोर द मशीन डेट हल्स द बैटर सी आई एडोर एडोर का मतलब जो होता है वर्शिप लव एंड रेस्पेक्ट मैं रेस्पेक्ट करता हूं मैं आदर करता हूं द मशीन उस मशीन को डैट हल हल मीन्स जो फेंक देता है उस मशीन uh, को जो है Uh, मैं पसंद करता हूँ या आदर देता हूँ जो आपको फेंक देता है अबाउट एट बैटर सी बैटर सी के करीब आसपास बैटर सी जो है एक सी uh, है जो uh, आपके इंग्लैंड में है और uh, यहाँ पे मशीन कहने का अर्थ ये हुआ जहाज़ पानी की जो जहाज़ होती है उससे वो आपको ले जाकर बैटर सी के किनारे तक पहुँचा देती है टू डाइन इन लंदन लंदन में डिनर uh, करना एंड लंच इन न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क में नेक्स्ट डे सीम्स टू मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस लंदन में डिनर uh, करना और लंच न्यूयॉर्क में अगले दिन करना यह मुझे सबसे सटिस्फैक्ट्री यानी संतोषपद अनुभव लगता है आई एडमिट मैं स्वीकार करता हूँ इट एक्सक्लूज यह निकाल देता है ऑल द रियल प्लेजर सभी वास्तविक प्रसन्नता को ऑफ ट्रेवल यात्रा की द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम अ कंट्री बस इन सोमरसेत और स्पेन उस प्रकार का प्लेजर उस प्रकार का फन जो आप समरसेत या स्पेन में कंट्री बस से पाते हैं बट इट गिवसी यूआ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा लेकिन इस तरह का जो फन फन uh, है वो uh, सिर्फ सरफेस uh, सर्फेस मजा देता है यानी सर्फेस कहने के सुपरफिशियल मीन्स जो सर्फेस पे हो जो छिछला हो छिछला सिर्फ आपको ये मजा देता इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट यह जो है एक प्रकार की उत्तेजना थी आवर एनसेस्टर हैड टू डू विदाउट जिसके बिना हमारे जो एनसेस्टर हैं हमारे जो पूर्वज हैं हमारे जो फोरफादर्स हैं वो इसके बिना काम चलाया था एंड वी माइट जस्ट एज विल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली और हम भी वैसा ही इसे एक्सेप्ट करते ग्रेटफुली यानी कृतज्ञतापूर्वक खुशी से हम इसे एक्सेप्ट करते नो वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली नहीं जहाँ ये जो रफ्तार है बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली मेरे प्रतिकूल हो जाती है यानी मेरा जो है वो फ्रेंड नहीं होती है टू मी नहीं रहती है इज वेयर द मेंटल एक्टिविटी ऑफ आवर टाइम टेंड जहाँ हमारे समय का जो झुकाव है जहाँ पर मानसिक क्रियाएँ होती हैं वहाँ पर जो है ये आ, ये स्पीड uh, जो है वो मेरा फ्रेंडली uh, नहीं रह पाती है एज दे नेचुरली डू जैसा कि स्वभाव से करते हैं टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन मशीन की रफ्तार को फॉलो करने के लिए पकड़ने के लिए आई स्पीक विथ प्रिज्यूडिस मैं पूर्वाग्रह से बोलता हूं प्रिज्यूडिस डैट मींस कोई ऐसी धारणा पाल लेना और अपने दिमाग में बैठा लेना और उसी से किसी भी चीज़ को जज करना जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम समझें जैसे हम सोचते हैं कि किसी खास जगह के लोग जो हैं वो अच्छे नहीं हैं अगर वहाँ का कोई भी व्यक्ति हमें मिलता है तो हम यही सोचते हैं कि यह अच्छा नहीं होगा क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से जो है पूर्वाग्रह है आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स बिलोंग्स मीन्स का होना टू द ट्राइब्स ऑफ स्लो थिंकर्स मंद विचार वाले जनजाति का हूँ दोज हु आर कर्स्ट जो शापित हैं जिनको शाप मिला हुआ है विथ लेस्प्रीट डी लेस्कैलियर्ट मीन्स स्लो माइंड यानी जो धीमे दिमाग से शापित हैं पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टिंग रिपार्टी अबाउट फोर आवर्स आफ्टर द पार्टीज ओवर पीपल हु लाइट ऑन लाइट मीन्स पे प्रकाश में लाना अगर कोई पार्टी है या कोई मीटिंग है और मीटिंग जब खत्म हो जाती है उसके चार घंटे के बाद जो है वह किसी भी निष्कर्ष पे या किसी भी विनाशक रिपार्टी कहते हैं कन्वर्सेशन डैट इज फुल ऑफ क्लेवर और फनी रिमार्क्स वैसे रिमार्क्स पे वो चार घंटे क्योंकि उनका दिमाग जो होता है इतना स्लो काम करता है कि वो उस वक्त तक नहीं समझ पाते हैं और वो चार घंटे के बाद किसी भी विनाशक डिवास्टिंग जो है रिपोर्टी पे पहुंचते हैं यानी वैसे लोग जो पार्टी समाप्त होने के चार घंटे बाद अत्यधिक विनाशक रिपोर्टी रिपोर्टी का मतलब कन्वर्सेशन हुआ जो इसमें आपका फन हो जिसमें आपका क्लेवर हो चलाकी हो उस पर प्रकाश डालते हैं इतनी देर के बाद आई एम वन ऑफ दोज हु आर ग्रेंटेड टू गेट द लोएस्ट मार्क इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट अगर कोई भी इंटेलिजेंस टेस्ट हो तो मैं मैं जो उन लोगों में से रहूंगा, उन लोगों में से एक रहूंगा, जो गारंटी के साथ सबसे निम्नतम अंक पाने के लिए सुरक्षित हैं रिजर्वड हैं बिकॉज दोज टेस्ट आर क्योंकि वो जो भी टेस्ट होंगे ऑल द वंस आई हैव कम अक्रॉस जितने भी हैं जिनसे मैं आ, मिला हूँ कम एक मतलब संयोग वश मिलना सीम टू बी डिजाइन टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड जितने भी ये टेस्ट हैं ये सारे ऐसे डिजाइन किए गए हैं जो आपके दिमाग के स्पीड को मापते हैं मोर देन एनीथिंग एल्स इसके अलावा और कुछ नहीं मापते और ये आपके दिमाग के गति को मापने के लिए ही निर्मित किए गए हैं किसी बात के लिए नहीं किए गए हैं ओब्वियसली स्पष्ट रूप से वी स्लो थिंकर्स हम आ, धीमी सोचने वाले आर टेरिबली पूरी तरह से बुरी तरह से टेरिबली बुरी तरह से भयानक तरीके से टेरिबल टेरिबल मीन्स भयानक टेरिबली भयानक तरीके से हैंडी कैप्ड हैंडी कैप्ड हैं यानी अपंग हैं इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग जीवन जीने के बिजनेस में यानी जीवन जीने के कला में हम भयंकर रूप से अपंग हैं बट वॉट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ लेकिन जिसके विषय में मैं अभी सोच रहा हूं इज नॉट सो सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड नहीं है वह उतना प्रैक्टिकल किसी भी किसी के दिमाग का प्रैक्टिकल यूज एज इट्स यूज फॉर इन्जॉयमेंट जब इन्जॉयमेंट की बात हो जैसे उदाहरण के तरीके पे हम यहाँ देखें आगे जो है वो ऑथर कहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ को समझे तभी आप इन्जॉय करें जैसे वो सिनेमा हॉल जाते हैं और सिनेमा हॉल में बहुत ऐसे सीन्स हैं जिनको वो समझ नहीं पाते वो कन्फ्यूज हैं फिर भी इन्जॉयमेंट लेते हैं इन्जॉयमेंट करने की कोशिश कर एज एन एग्जाम्पल उदाहरण के लिए वेन आई गो टू द सिनेमा जब मैं सिनेमा uh, जाता हूँ आई फाइंड माई सेल्फ इन अ होपलेस फॉग मैं खुद को पाता हूँ एक होपलेस निराशाजनक फॉग कुहासा कुहासा में एंड आफ्टर टू और थ्री मिनट्स और दो और तीन मिनट के बाद आई हैव टू टर्न मैं मुड़ता हूँ टू माई वाइफ फॉर एनलाइटमेंट अपने वाइफ की तरफ इनलाइटमेंट के लिए जानकारी के लिए आई विस्पर मैं फुसफुसाता हूँ धीरे धीरे बोलता हूँ विस्पर मीन्स फुसफुसाना इज दिस द सेम गर्ल एज वन वी सो एट द बिगनिंग क्या वो यह वही लड़की है जिसको हमने शुरुआत शुरुआत में देखा था एंड शी विस्पर्स बैक और वह वापस बोलती है धीरे धीरे बोलती है नो no, देयर आर थ्री गर्ल्स इन दिस फिल्म नहीं इस फिल्म में तीन लड़कियाँ हैं अ टॉल ब्लोंड अ शॉर्ट ब्लोंड एंड अ मीडियम साइज ब्रूनेट ही आर अ टॉल ब्लॉन्ड ब्लॉन्ड मीन्स अ उमन एक औरत या लड़की जिसके जो बाल हैं वो कलर्ड हों और उसकी आँखें जो हों ब्लू कलर की हों उसे ब्लॉन्ड कहेंगे तो एक लंबी ब्लॉन्ड एक छोटी ब्लॉन्ड और एक मीडियम साइज की जो है ब्रूनेट ब्रूनेट एक ऐसी औरत जिसके जो बाल हैं वो या तो ब्राउन हो या डार्क बाल हो उन्हें उसे ब्रूनेट कहते हैं कॉल देम उन्हें इस तरह समझो या उन्हें ऐसा कहो ए बी एंड सी द हीरो इज दैट मैन हीरो वह आदमी है हु टेक्स हिज हैट ऑफ जो अपने टोपी को उतारता है व्हेन ही कम्स इंडोर्स जब वह अंदर की तरफ आता है यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं जैसे ऑथर जब सिनेमा को जाते हैं वो अपने आप को एक होपलेस यानी निराशाजनक फॉग मींस कुहासा Here, कुहासा, आ, का मतलब जो यहाँ पे हुआ वो कन्फ्यूजन यानी कन्फ्यूज होते हैं जब वो सिनेमा देखते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता इसके लिए वो अपने पत्नी की तरफ दो और तीन आ, मिनट के बाद जानकारी लेने के लिए मुड़ते हैं और हैं ही इज गोइंग टू फॉल वह पढ़ा जा रहा है इन लव प्रेम में विद girls B C A पहले बी से प्रेम सी फिर ए इन डैट ऑर्डर इस क्रम में एंड सो इट प्रूव्स टू बी और ऐसा ही सिद्ध होता है देयर यू हैव अ माइंड विच हैज्रेंड इट सेल्फ टू वर्क इन हाई गेयर दो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर गियर्स जस्ट एज वेल आपने ऐसा दिमाग पाया है जिसने अपने को उच्च गति से काम करने योग प्रशिक्षित किया है यद्यपि वास्तविक रूप में यह अनगति गति में भी काम कर सकता है यहाँ पे हम देखें तो वो ऐसा है उसके पास दिमाग ऐसा दिमाग वो पाता है कि वो किसी भी किसी भी सिचुएशन में उसका दिमाग जो है वो पूरी तरह से फिट हो जाता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर गियर्स वो किसी दूसरे गियर्स में या दूसरी समस्या में भी वो अच्छी तरह से काम कर सकता है बट माई पॉइंट इज डैट मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट बहुत से जो हैं मेरे साथी मरीज जो इन द सिनेमा जो सिनेमा में हैं डू थिंक सोच सकते हैं फास्ट इनअ टू कीप अप Comfortably with rapid changes of scene and action, जो action और uh, च, uh, scene जो change हो रहे हैं बदल रहे हैं तेजी से वो तेजी से सोच सकते हैं ताकि अपने आप को comfortable रख सकें They think much faster than people did थर्टी years ago। वह सोच सकते हैं जो आज से तीस साल पहले जो लोग सोचते थे उससे ज़्यादा तेज Possibly because क्योंकि संभव रूप से क्योंकि दोज हु डोंट थिंक फास्ट जो तेज नहीं सोचते हैं इन द हाई स्ट्रीट हाई स्ट्रीट में नाउ डेज आज कल मे नॉट गेट अनदर चांस वो दूसरा चांस नहीं पाते हैं इन द वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल दूसरा चांस नहीं पाते हैं इस विश्व में सोचने के लिए दूसरा अवसर शायद बिल्कुल ना मिले अब हम वर्ड uh, पावर एक बार बढ़ा लेते हैं वर्ड को देख लेते हैं जो इस चैप्टर में इस्तेमाल हुए हैं नोवेलिस्ट हु राइट्स नोवेल जो उपन्यास लिखता हो एग्जिबिट टू डिस्प्ले प्रदर्शित करना अनफोल्ड शो करना एक्सेप्शनल यूजली गुड बट इट इज़ रेयर फ्लेयर जनजात प्रवृत्ति नेचुरल एबिलिटी डैट इज सेंसिटिव नाजुक डेलीकेट कंटेम्प्रेरी समकालीन द टाइम विच इज़ नाउ गोइंग ऑन डैट मीन्स प्रजेंट टाइम कंट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्सिस ये uh, अंतर्विरोध और विरोधाभास हैं कैप्चर ग्रहण करना uh, एग्नि दर्द को बोलेंगे ब्रिंग्स आउट मीन्स सामने लाना मतलब बताना हर्ट चूट पहुँचाना रिदम जो एक रेगुलर पैटर्न है लय है वो रिदम हुआ एग्जैट मीन्स फोर्सफुली किसी चीज़ को लागू करना अंडू अंडू अत्यधिक यानी ज़्यादा जरूरत जितनी जरूरत थी उससे ज़्यादा होना कैरेक्टर जो है किसी भी नाटक में जो रोल प्ले करता है वो कैरेक्टर है कॉर्न अनाज को बोलेंगे आयरिश आयरलैंड से बना हुआ और ये आयरिश आयरलैंड के लोग या आयरलैंड से रिलेटेड एंजाइटी वरी चिंता डी वीक हार्ट को बोलेंगे फंटेस्टिक आप फैंसी कल्पना से भरा हुआ सन की नोशन ओपिनियन है पाउंड इंग्लैंड और आयरलैंड की करेंसी है और यहाँ पे तीन साइन है जिसमें आपके डॉलर है पहला फिर पाउंड और फिर यूरो ऑल टुगेदर मीन्स एक साथ डिस्पेयर निराशा ऑटर मीन्स कहना इंचांटिंग मीन्स फैसिनेटिंग मनमोहक ग्लोरियसली शानदार ढंग से और असंगत और बेमेल स्ट्राइक शूट करना इलस्ट्रेशन उदाहरण देना या उदाहरण प्रस्तुत करना subtle सूक्ष्म अनलाइकली असंगत रूप से रैपिड मीन्स वेरी फास्ट एडोर मीन्स एडोर टू रेस्पेक्ट टू गिव रेस्पेक्ट आदर करना और हल मीन्स ढकेलना सीम मीन्स परतीत होना एडमिट मीन्स uh, स्वीकार करना एक्सक्लूड मीन्स बाहर निकालना या बाहर निकालता है प्लेजा आनंद सुपरफिशियल सार्फेस एनसेस्टर फोर फादर एंड पूर्वज ग्रेटफुली कृतज्ञता से शुक्रगुजार होना ओबलाइज ओबलाइजली अनफ्रेंडली मित्रतापूर्वक नहीं होना प्रिज्यूडिस uh, किसी भी uh, धारणा को पाल लेना जो पहले से हो आपके दिमाग में उसके हिसाब से किसी चीज को जज करना पूर्वाग्रह ट्राइब जनजाति फिंकर सोचने वाला कर्स शापित होना लेस्प्रीट डी लेस, लेस कैलियट स्लो माइंड डिवास्टिंग विनाशक रिपार्टी मीन्स uh, जब किसी भी मीटिंग में आप किसी uh, क्लेबर और uh, क्लेबर और फनी रिमार्क के साथ uh, रिमार्क को पेश करते हैं डैट इज रिपार्टी uh, कम अक्रॉस संयोगों से मिलना ओब्वियसली स्पष्ट रूप से टेरिबली भयानक तरीके से होपलेस निराशाजनक फॉग कुहासा लेकिन इस चैप्टर में फॉग का इस्तेमाल कंफ्यूजन के रूप में हुआ है क्योंकि जब सामने कुछ नहीं दिखता तो सिर्फ कुहासा दिख रहा है उसके आगे कुछ नहीं दिखता इनलाइटमेंट रोशनी विस्पर धीरे धीरे बोलना फुसफुसाना ब्लॉन्ड ऐसी महिला जिसके बाल कलर हों और आंखें ज्यादा चांस है कि वो ब्लू कलर की हों बूनेट एक औरत जिसके बाल भूरे और भूरे या डार्क हो एट ऑल बिल्कुल भी